नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जो है आपके सवालों के जवाब ही देने आए हैं। बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि आखिर न्यूज चैनल्स ही सबसे ज्यादा डीडी फ्री डिश पर लॉन्च क्यों किए जाते हैं, आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि हमें सबसे ज्यादा न्यूज चैनल्स ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आधे से ज्यादा न्यूज चैनलों को डीडी फ्री डिश से बाहर कर दिया जाए तो कितने चैनलों को, अच्छे खासे चैनलों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि कितने भी स्लॉट्स जो है वो अधिकतर तो न्यूज चैनलों ने ही घेरे हुए हैं, बाकी दूसरे चैनल को मौका ही नहीं मिल पाता। तो ये बहुत सी जनता है जिसके मन में सवाल चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको बता दिया जाए कि आखिर क्या रीजन है इसके पीछे कि अधिकतर आपको न्यूज चैनल जो है वो डीडी फ्री डिश में देखने को मिल ही जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। अगर हम हिंदी न्यूज कैटेगरी की बारे में बात करें तो हमेशा से चर्चा का विषय रही है, क्योंकि हर एक डीटीएच की बात करें तो वो कोई ना कहीं न्यूज चैनलों को सबसे पहले लॉन्च करने की कोशिश जरूर करेगा। उसका रीजन है करेज फीस। जी हाँ, जो भी नया चैनल लॉन्च होता है मार्केट में उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ जरूर मिलता है और वो कहीं ना कहीं अच्छे खासे फंड्स के साथ चैनल की लॉन्चिंग कर लेता है। जब चैनल की लॉन्चिंग हो जाती है तो उसकी टीआरपी आने के लिए उसको डीटीएच प्लेटफॉर्म का सहारा लेना ही पड़ता है। और खासकर चुनावी समय में आप देखोगे कि बहुत से डीटीएच प्लेटफॉर्म जो है उसी कैटेगरी के चैनलों को सबसे अधिक लॉन्च करते हैं जिस कैटेगरी के चुनाव नजदीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाल ही में बात करें तो मध्य प्रदेश के इलेक्शन आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भी शायद आ रहे हैं, राजस्थान के भी चुनाव आ रहे हैं, और इसी कैटेगरी में आप देखोगे कि कुछ न कुछ नए चैनल लॉन्च होते हुए भी दिखेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में आप देखो तो एशियन न्यूज लॉन्च किया गया, देश न्यूज लॉन्च किया गया जो कि हमारे मध्य प्रदेश कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एनडीटीवी की ओर से भी एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लॉन्च किया गया, और साथ ही में अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की ऑडियंस के लिए भी एनडीटीवी राजस्थान की लॉन्चिंग की गई। यानी कि इलेक्शन भी आसपास है और चैनलों की लॉन्चिंग भी हो रही है। और यही नहीं, ये जो है डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी सबसे पहले लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी चैनलों के नाम मैंने आपको भी बताए हैं हाल ही में, वो आपके एयरटेल डीटीएच पर भी लॉन्च किए गए। अगर हम उसी तरह से डीडी फ्री डिश को भी देखें तो डीडी फ्री डिश में भी बहुत से न्यूज चैनलों को लॉन्च करने के पीछे कारण यही होता है कि टीआरपी लेकर आई जाए, क्योंकि टीआरपी आएगी, ऑडियंस देखेगी, तभी तो उनको विज्ञापनों का पैसा मिलेगा। और हर एक न्यूज चैनल का सबसे ज्यादा बजट रहता है और बहुत से जो लोग हैं वो न्यूज चैनल कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं, क्योंकि एक न्यूज चैनल पे अच्छी खासी खबर आपको देखने को नहीं मिलती है तब चैनल चेंज करके किसी दूसरे चैनल की ओर चले जाते हैं। तो यही रीजन है सबसे अधिक न्यूज चैनलों का डीडी फ्री डिश पे बने रहना, क्योंकि डीडी फ्री डिश की जो ऑडियंस है वो 40 मिलियन से भी ज्यादा पाई जाती है, और उन 40 मिलियन तक अपने चैनलों को दिखाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही रीजन है कि बहुत से चैनल जो है वो डीडी फ्री डिश पे सबसे पहले अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर उनको डीडी फ्री डिश में जगह मिल गई तो अच्छी खासी टीआरपी तो डेफिनेटली उनको मिल ही जाएगी। उसी वजह से जो है आज तक जी न्यूज, एनडीटीवी, रिपब्लिक, बहुत से चैनल जो है वो आपके डीडी फ्री डिश पे बने हुए हैं, सिर्फ इसी कारण से, टीआरपी की वजह से। उनको डीडी फ्री डिश की ऑडियंस से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ टीआरपी की वजह से ही आपके लिए बने हुए हैं। क्योंकि प्राइवेट डीटीएच में आपको पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई लगता है न्यूज चैनल अच्छी खासी खबर नहीं दिखा रहा है, जैसे कि आज तक है, जी न्यूज है, तो उससे आप जो है उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। उसका सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो बंद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर ऑडियंस के ऊपर थोपा जाना है तो वो डीडी फ्री डिश इकलौता सहारा है, क्योंकि वो फ्री टू एयर एफटीए है और उसमें आप किसी भी चैनल को बंद नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ी रीजन ही यही है अच्छा खासा पैसा कमाने का, क्योंकि डीडी फ्री डिश फ्री टू एयर डीटीएच सर्विस है जो कि सभी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और बहुत से लोग जो है बिना कोई पैसा दिए इस चैनलों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देख लेते हैं, और इससे उनको टीआरपी मिल जाती है, और उस टीआरपी से उनको अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिल जाता है विज्ञापन चला के। तो यही रीजन है कि आगे चलकर भी आपको नए नए न्यूज चैनलों को देखने का मौका मिलेगा, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। और अभी हाल ही में जो इंडिया डेली लाइव का नाम सामने आया है उसका रीजन भी यही है कि वो भी टीआरपी के लिए ही कहीं ना कहीं डीडी फ्री डिश में स्लॉट जीता है। तो अगर आधे से ज्यादा न्यूज चैनलों को हटा दिया जाएगा तो डेफिनेटली दूसरे चैनलों को मौका जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रसार भारती भी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए बैठा है और न्यूज चैनलों को भी पैसा चाहिए और ऑडियंस को भी मनोरंजन चाहिए। बाकी आपके बारे में कोई सवाल हो, सुझाव हो, नीचे आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।